In the midst of growing infrastructure and concrete jungles coming up everywhere, we tend to forget the existence of other beings. However, there are certain organizations and individuals who work towards the betterment and welfare of these animals. ये संस्था ना कम से कम 50 साल पहले, हिंदी में चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा। 50 साल पहले की है और ये मैडम सकार पेपर लिमिटेड की चेयरमैन नाना साहब परोड़ेकर की लड़की है। उसने सैक्रिफाइस किया कोई भी जानवर के लिए, मतलब हर एनिमल के लिए, पशु पक्षी रहेंगे उनके लिए उसने ना शादी किया ना कि, मतलब पूरी अपनी लाइफ सेक्रीफाइस किया। और पिछले मतलब स्टार्टिंग में उसने 4-5 कुत्ते ऐसे बंगले की केयर के लिए रखा था, बाद में वो कुत्तों में इतनी मतलब पागल ही हो गई ऐसा ही बोलने का, तो उसने सादा कोई चिड़िया का बच्चा भी ला के दिया तो वो रख लेनी थी और उनको खाना मिले, उनको बाहर लोग मारते केयर नहीं करते, तो आप उन ये संभाल सकते हैं, अपने पास इतना पैसा है तो आप उसका अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। और सिटी में कुत्ते नहीं चाहिए, गाड़ी लोगों को एक्सीडेंट होते और लोग मारते, फिर PMC वाले लेके जाके मारते, कुछ भी अलग अलग करते, उनको खुजली होती है, तरह तरह की बीमारियाँ होती है। तो ऐसा करके मैडम ने हज़ारों यहाँ पर एक एक वक्त 40-40 वर्कर काम पे थे, 3 शिफ्ट में काम चलने का उस टाइम पे जब मैडम थी। आज मैडम को मर के कम से कम 2.5-3 साल हो गए, फिर भी ये संस्था चालू है और अभी ये ट्रस्ट चला रहा है। और हम लोग यहाँ पर 7-8 वर्कर है जो कैंटोनमेंट बोर्ड की जगह है लीज के ऊपर थी, तो अभी इसका कोई ऑनर नहीं होने की वजह से ऐसा चल रहा है कि ये कभी ना कभी तो बंद होने ही वाला है। लेकिन अभी 120 डॉग है अभी भी, और अभी तो बाहर के डॉग लेते भी नहीं है, तो अभी जब तक चल रहा तब तक चल रहा है, फिर भी बहुत साल चलेगा। These people are perfect examples of what humanity stands for. Animals, be it on streets or in homes, deserve proper treatment. Even though there is an institution of rights reserved for animals, the people in our country are oblivious to these rights. Attention must be brought upon these issues. Only then can humans and animals live in harmony.